तो मुंजिया के डायरेक्टर आदित्य सरपोदार एक और मूवी लेके आ रहे हैं और वो भी हॉरर कॉमेडी मूवी ही होने वाली है जो कि 12 जुलाई को जी 5 पे रिलीज होगी। इस फिल्म में हमें रितेश देशमुख एज विक्टर, साकिब सलीम एज सन्नी, सोनाक्षी सिन्हा एज इंदिरा और आसिफ खान जिनको हमने मतलब पंचायत और मिर्जापुर सीजन 1 और 2 में भी देखा था वो भी नजर आने वाले हैं। रिव्यू करेंगे इसके ट्रेलर का और क्या मुंजिया वाला जादू, क्योंकि मुंजिया भी एक डिसेंट मूवी थी, मतलब 100 करोड़ कमा गई है तो डिसेंट मूवी थी और ये भी एक हॉरर कॉमेडी है, तो क्या कुछ हमें इसमें देखने को मिलने वाला है वो इस ट्रेलर रिव्यू में हम जानेंगे। ट्रेलर शुरू होता है रतोड़ी एक श्रापित गांव से, जो गांव राजस्थान में बेस्ड है क्योंकि उसके लैंग्वेज से पता चलता है, जहां पे दो मतलब दो दरवाजे होते हैं हर घर में, एक छोटा दरवाजा होता है और एक बड़ा दरवाजा होता है, और छोटा दरवाजा मतलब ककुड़ा के लिए होता है कि लोग गांव वालों को दरवाजा खोलना होता है ताकि ककुड़ा उनके घर में आ सके, मतलब मंगलवार 7:30 बजे के आसपास, मतलब 7:12 मिनट पर। जो लोग नहीं खोलते उस दरवाजे को उसके ऊपर श्राप लग जाता है और 13वें दिन मतलब जिस दिन उसने दरवाजा नहीं खोला उसके 13वें दिन उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है सोनाक्षी सिन्हा यानी कि इंदिरा का कैरेक्टर और साकिब सलीम यानी कि सन्नी का कैरेक्टर। सन्नी का कैरेक्टर दरवाजा नहीं खोलता है और उससे उसकी शादी हो चुकी रहती है अपने मतलब सोनाक्षी सिन्हा से यानी कि इंदिरा से। इंदिरा का कैरेक्टर जो कि अपने पति को मरने नहीं देना चाहती, वो चाहती है कि अब मतलब इसका कोई उपचार मनाया जाए, और तब वो बुलाती है विक्टर यानी कि रितेश देशमुख को। वो एक तांत्रिक होते हैं, मतलब जो लेटेस्ट आज के जमाने के तांत्रिक, जो कि ये सब मिस्ट्रीज सॉल्व करते हैं। और वो अब इसमें ट्रेलर में हमें बताया गया है कि वो आएंगे, अब इससे लड़ेंगे, अब क्या होगा, क्या ककुड़ा पकड़ा जाएगा या पकड़ी जाएगी, क्या हमें पता चलेगा कि भाई सन्नी का कैरेक्टर बच गया है, और क्या कुछ आगे हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। इस मूवी में हमें आजकल के बहुत एक छोटा सा चुटकुला देखने को मिलता है कि रितेश देशमुख बोलता है कि एक जगह पे लोगों ने दीवार पे लिख दिया है कल आना तो दूध भी लाना, और दूध के भाव बढ़ गए वो नहीं लगे। डायलॉग्स फनी नहीं है बट स्त्री पे मतलब थोड़ा सा टच दिया गया है कि भाई उस पे एक टेक लिया गया है, जो कि ठीक है यार, फनी इंसिडेंट्स आप कैप्चर करना चाहते हो भले उस कोशिश में आप फेल हो जाओ बट चाह तो रहे हो एटलीस्ट। फिर हमें कुछ सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे ये लोग बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई ककुड़ा को पकड़ा जाए ताकि मतलब सन्नी के कैरेक्टर यानी कि साकिब सलीम के कैरेक्टर को बचाया जा सके और इंदिरा विधवा होने से बच। आदित्य सतपुरी के कैरेक्टर उतने हॉन्टिंग ना हो बट वो एक फैसिनेटिंग कैरेक्टर होते हैं, मैं नाम गलत ले चुका हूँ शायद पहले, बट आदित्य सतपुरी है उनका श्रीवास्तव नाम नहीं है। तो आदित्य सतपुरी के कैरेक्टर उतने हॉन्टिंग या डरावने ना हो बट फनी वे में वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने मूवीज को, तो ये देखने में मतलब एक्साइटमेंट होगा कि इस मूवी में वो क्या कुछ अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेलर एक खेत में जाती है जहाँ पे एक मैनिकिन जो होता है वो खेत में जो लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, अगर तुम लोगों को बताए तो कमेंट में बता देना। वो उसका साकिब सलीम का हाथ पकड़ लेता है, एक छोटा सा डायलॉग होता है कॉमेडी वाला एंड ट्रेलर एंड हो जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे उतनी ज्यादा फनी नहीं लगी ये पूरी कहानी बट ट्रेलर ठीक ठाक लग रही है। मैं इस वे में इसको एक स्टेप आगे रखूंगा देखने के मामले में कि भाई इसका जो डायरेक्टर है आदित्य सतपुरे उसने बहुत अच्छा काम किया है प्रीवियस टाइम पे हॉरर यूनिवर्सेस को लेकर के, हॉरर फिल्म्स को लेकर के, हॉरर कॉमेडीज को लेकर के खास करके, और रितेश देशमुख एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, तो ये देखने में मजा आने वाला है, इतना एक्साइटमेंट है। अब पूरी क्या सीनरी होगी वो तो मूवी देख के ही पता चलेगा बट हम एक अटकलें लगा सकते हैं कि हाँ कुछ तो बेहतरीन ये लोग दिखाने के लिए मतलब एक्साइटेड हैं। तो यही था मेरा ट्रेलर को लेकर के रिव्यू, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, तुम क्या कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो उस ट्रेलर के बारे में। मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे बहुत कुछ है, और 1000-1000 फॉलोअर्स अगर हो गए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे तो हम एक बहुत बड़ा गिव अवे करने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं किसी और मजेदार वीडियो में किसी और मजेदार रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।